हेलो, उसका नाम क्या है? ये क्रिम्सन वैली का एडल्ट पेयर है, हमारे पास अवेलेबल है। अफ्रीकन ग्रे के बेबी अवेलेबल है, बहुत ही हेल्थी है और क्लोज बैंड है। ये हॉलैंड बजीज है, बहुत ही अच्छा साइज़ है इनका। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए हम लोग फिर जूचो पेट शॉप आ गए हैं, जो कि जूचो पेट शॉप की मेरी पुरानी वीडियो भी वायरल हुई है। काफ़ी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं इनके पास। एग्जॉटिक मीन्स मत बर्ड्स हैं, जैसे कॉकटेल हो गई और मकाऊ हो गया। इसके अलावा ग्रे पिजन है, ग्रे पैरट्स हैं, ये सब जो कहीं पर भी लखनऊ में बहुत रेयर मिलती हैं। कवर करने के लिए आज हम लोग जूचो पेट शॉप आए हैं, जो कि ऐशबाग में है, लखनऊ में। आप लोग ज़रूर आइए, कॉन्टैक्ट नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका क्या नाम है? ये रेनबो है। रेनबो बहुत ही प्यारा है ये। और ये जैसे मकाऊ ब्रीड है, ये बहुत ही मतलब इसको ये बहुत, हाँ बहुत मज़ा आता है इसको ऐसे खुजवाने में। इसको सलाउ आइस क्लोज करके बैठ जाता है, बड़ा अच्छा टीम है ये। और इस क्लोज बैंड है, इसका नाम रेनबो है। इनको टॉकिंग पैरट भी कहा जाता है, कि मतलब बोलने वाले जो होते हैं। हाँ बोलते हैं ये, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग करता है। हेलो हेलो मूड पे होता है इसके इससे ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, मूड पे है और जब मन होगा खूब बोलेगा, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। इसकी लगभग एज क्या होगी? ये 2.5 साल का है। ढाई ये 2.5 साल का है। अभी नहीं, अभी नहीं है। 4 साल पे ये एडल्ट होते हैं, तो अभी तो ये 2.5 साल है। अभी लगभग इसका रेट क्या होगा? अभी ये 190 का है। 190 1,90,000। अभी इसके बेबी मतलब अभी तो हुए नहीं होंगे? नहीं, इसके बेबी नहीं है, बाकी जो घर पे पेयर पड़े हुए हैं उनके बेबीज ब्रीडिंग के लिए अभी डाले गए हैं, तो इनके बेबीज एक्सपेक्टेड है कि 2 महीने में आना शुरू हो जाएंगे। तो बेबीज के लगभग क्या प्राइस आप दे रहे हैं? बेबीज के 40 डेज का पड़ेगा 125 का। 125 हाँ, ये फिक्स प्राइस है। जी सर, सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। जी जी जी। हेलो, हमारे पास अवेलेबल है अफ्रीकन ग्रे के बेबी अवेलेबल है, बहुत ही हेल्थी है और क्लोज बैंड है ये। आप देख सकते हैं ये 55 डेज के हो गए हैं। एक ये सन कनूर का बेबी है, बहुत सुपर क्वालिटी है। इसका जो पेरेंट्स है वो काफ़ी रेड है, आप देख सकते हैं। इतने छोटे से बच्चे में इतना रेड नहीं आता है, इसका हेड पूरा रेड हो चुका है अभी से ही। ये 55 डेज का? जी 55 डेज के। और इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है? इनकी ब्रीडिंग ये ब्रीड करते हैं लगभग 5 साल के में ये एडल्ट होते हैं, और आप कम से कम, हाँ 5 साल में कम से कम आप छोटे से छोटा इनको 3 2-2 का केज दे दें तो ईजिली ब्रीड कर जाते हैं। बस ये कि इनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो ये ब्रीड है कौन सी? ये अफ्रीकन ग्रे, अफ्रीकन ग्रे पैरट। ठीक है, तो ये पूरा ग्रे कलर के आते होंगे? हाँ, ये ग्रे और टेल इनकी रेड होगी। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए आप टेल देखिए इनकी आ रही है। अच्छा, पूरी रेड है टेल, पूरी रेड है। जी जी। और इनका प्राइस क्या होगा बेबीज का? ये बेबी इनके 50,000 का है। 50,000। ये सन कनूर है, ये 12,000 का है। 12,000 जी। अच्छा, इनके फूड अभी तो ये, अभी मैं इनको A19 दे रहा हूँ। वर्सलागा का एक A19 आता है, हैंड फीड फार्मूला होता है, तो अभी तो ये वही खा रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे, सेल्फ फीड पे आ जाएंगे, तो इनका सीड मिक्स है, आप वेजिटेबल्स बहुत सी वैरायटी की दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, सो फूड में आप चने भुट्टा बहुत बहुत तमाम वैरायटी देनी चाहिए इनको। पाम नट्स बहुत पसंद है इनको, आप पाम नट्स दे सकते हैं। कौन से बर्ड? ये गाला कॉकटू है। गाला कॉकटू? जी गाला कॉकटू है। ये सेमी टेम्ड है, क्लोज बैंड है,
और इनका डीएनए भी ओल्ड है, 2018 का डीएनए है। ये रेडी टू ब्रीड है। ये लगभग एज क्या होगी? एज भाई ये अडल्ट है। अडल्ट जी जी, फुल्ली अडल्ट है। तो एज मान के चलिए इनकी होगी 5 साल के आसपास। लगभग प्राइस क्या होता है? ये 185 का है, 1,85,000 का जी। तो अभी ये पेयर अवेलेबल है इनका? अभी अवेलेबल है। इनके अगर बेबी किसी को चाहिए हो तो? बेबीज इसका होगा 85 to 90,000 का एज। ये कॉकटील्स के कुछ पेयर्स अवेलेबल हैं, इसमें अडल्ट और सेमी अडल्ट मिक्स हैं। ये 3,500 रुपये का पेयर है। इसमें कलर्स और भी आते हैं? हाँ, इसमें कलर्स और भी आते हैं, कुछ पर्ल्स आते हैं, पर्ल आते हैं, पर्ल है मेरे पास एक पीस पर्ल, ये देखिए पड़ा हुआ है। बाकी इसमें बहुत से म्यूटेशन और कलर्स हैं। तो ये अराउंड 3,000 to 4,000 के रेंज में? जी 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 जी। इनकी ब्रीडिंग के बारे में? हाँ, ये 1 साल में अडल्ट हो जाते हैं और इजी टू ब्रीड है ये। आप इनको कम से कम मिल जाएंगे? हाँ, इनके बेबीज मिल जाएंगे। और इनको कम से कम आप 3 2-2 का साइज़ दे दिए एक पेयर को और एक मटकी लगा दिए तो बहुत आराम से ब्रीड हो जाते हैं। इनको ब्रीड कराना बहुत आसान। ये मॉन्क है, जो अभी आपने ब्लू मॉन्क देखा था, ये उसका ग्रीन कलर है। ये भी टेम्ड है। और ये क्या रेट होता है? ये 12,000 का है, सिंगल फीमेल है ये। सिंगल फीमेल 12,000 की। ये हॉलैंड बजीज हैं, बहुत ही अच्छा साइज़ है इनका। और ये पेयर्स अभी अवेलेबल हैं, लगभग 15 पेयर हैं मेरे पास अवेलेबल। ये नॉर्मल बजीज से थोड़े बड़े होते हैं? डबल ट्रिपल का साइज़ है इनका। डबल ट्रिपल होता है? जी जी जी। और ये लगभग कितना एज होगी? ये फुली अडल्ट है। फुली अडल्ट है जी। तो रेडी टू ब्रीड है? रेडी टू ब्रीड है। इसमें कुछ ब्रीडिंग पेयर्स भी हैं। इनका प्राइस? ये 6,000 का पेयर है। ओपलाइन यूविंग है, विद डीएनए अवेलेबल है अपने पास, और ये सभी अडल्ट हैं। इसमें 2 पीस लुटिनो पड़े हैं, रेड आई, ये देखिए, एक ये वाला, एक ये वाला। ये पूरा पेयर है, विद डीएनए अवेलेबल है अपने पास। और इनके प्राइस क्या होंगे? ये 37,000 का पेयर है ये वाला जी, और जो लुटिनो है वो 14,500 का। ये गोल्डन फिजेंट है, एक्चुअली ये गोल्डन फिजेंट नहीं, ये येलो गोल्डन फिजेंट है। ये म्यूटेशन है गोल्डन फिजेंट की। ये अडल्ट है, ये मेल है, और इसका फीमेल वो है लास्ट में, राइट साइड में। हाँ, ये वाली जो लाइट कलर में, ये फीमेल है। बाकी ये जैपनीज ब्लू फिजेंट है, ये इनके भी पेयर अवेलेबल हैं। जो येलो गोल्डन है ये 25,000 का है, और जो ब्लैक वाले हैं वो 18,000 के हैं। इसका नाम क्या है? ये क्रिम्सन वैलेट का अडल्ट पेयर है। ये बाहर की ब्रीड है? हाँ, सारी बाहर की ब्रीड है। और इनके प्राइस क्या होंगे? ये 55,000 का पेयर है। मकाओ का ये केज है 9,000 का, 9,000 का। इसका साइज़ है, ये 4 फिट लंबा है और 3 हाइट है और 3 इसकी ब्रेथ है। ये पाइनएप्पल कनूर है, काफ़ी रेड, बहुत अच्छी मार्किंग है इसकी, काफ़ी रेड है ये। ये 12,000 का पेयर है। ये रेड फायरी रोजेला है, ये भी अडल्ट पेयर विद डीएनए अवेलेबल है अपने पास। इनके रेट क्या है? ये 45,000 का। 45,000। ये बर्ड्स केज कुछ अवेलेबल है मेरे पास। ये इसका जो साइज़ है, ये 3 ऐसे है और 2 इसकी हाइट है और 2 ब्रेथ है। तो ये आपको पड़ेगा 4,500 रुपये का। ये 4,500 रुपये का है। इसमें आपको ट्रे मिल रही है, एक बहुत ही कन्वीनियंट है, आप आराम से इसको वॉश कर सकते हैं, प्लास्टिक ट्रे है। और
और या पेपर आप बिछा सकते हैं इसमें। आपको पर्च मिल रही है इसमें, ये पर्च मिल रही है आपको इसमें, और खाने के बोल्स मिल रहे हैं, और ये फोल्डेबल भी है। आप जब तक के पेट रखना चाहें रखें, अगर आप फोल्ड रखना चाहें इसको तो फोल्ड करके आप रख भी सकते हैं। उसके बाद ये उससे छोटा साइज़ है, ये इसका साइज़ है, ये ढाई लंबा है, ये ढाई डेढ़ डेढ़ का साइज़ है, और ये पड़ेगा 2500 रुपये का। इसमें भी सेम सिस्टम, वही ट्रे दे रखी है, खाने के बोल दे रखे हैं, और पर्स दे रखा है। और ये टेम बर्ड्स के लिए कुछ केजेस हैं इधर, ये टेम बर्ड के लिए बहुत अच्छा मीडियम साइज़ केज है ये, और मीडियम साइज़ बर्ड के लिए है। इसमें व्हील्स दे रखे हैं, ये देखिए इसमें व्हील्स हैं, और ये बहुत ही हल्का है, और आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ये ट्रे सिस्टम दे रखा है, दो खाने के बाउल हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है ये टेम बर्ड के लिए है, तो इसका ऊपर से भी खुलता है, ये आप यहीं से ही बर्ड को आप ले सकते हैं, क्योंकि जनरली टेम बर्ड को आदमी हाथ में लेता है, हाथ अपने पास बैठालता है, तो आप आराम से जो है इसको निकाल सकते हैं, ये आराम से बंद हो जाएगा। ये 4500 रुपये का छोटी बर्ड के लिए है। इसमें आप बजीज़ रख सकते हैं, एक पेयर लव बर्ड रख सकते हैं, या फिंचेस रख सकते हैं, ये 1600 का है। ये कलर्ड वाले 800 के हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।